हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं फिर से आया हूँ फिशिंग के लिए। देख सकते हो आप, आज हम लोग ये वाला स्पून यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो मेरा स्पून था वो कहीं पे फंस के टूट गया है, तो मैंने दूसरा स्पून मंगवाया था फ्लिपकार्ट से 30 ग्राम का। ये है हैदराबादी स्पून, तो आज मैं उसे ट्राई करने वाला हूँ। ये स्पून मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसका वेट 30 ग्राम का है, क्योंकि दोस्तों ये जो रिवर है वो बहुत गहरी है, और ऐसी गहरी जगह पे हमें मैक्सिमम वेट वाला लूअर्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पून को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना गहराई से हमें चलाना है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ जो हमेशा गहराई में रहती है। तो आज मैं इसके लिए 30 ग्राम का स्पून यूज़ करूँगा, देखते हैं हमें आज क्या रिजल्ट मिलता है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये जो स्पून फिशिंग का जो खेल है वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, खास करके नए शिकारी भाइयों को, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्पून को हमेशा नीचे से चलाना चाहिए, और ये बात सही भी है। तो ये सब सुन के जो नए शिकारी होते हैं उसे पानी का गहराई के अंदाज़ा नहीं होता है, कि जहाँ पे फिशिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ का पानी की गहराई का अंदाज़ा हमें होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें स्पून चलाना है। तो नए शिकारी भाइयों के माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि जितना हो सके उतना नीचे से हम स्पून चलाए, और ऐसा करने के लिए वो एकदम स्लो में रील घुमाते हैं। तो पानी के नीचे किसी पत्थर या किसी भी चीज़ में स्पून हमारा फंस जाता है और हम उसे निकाल नहीं पाते और वो टूट जाता है। अब तक मैंने भी बहुत सारे स्पून तोड़े हैं दोस्तों, ये स्पून फिशिंग सीखना हमें बहुत महंगा पड़ता है, पर शौक जो है शौक के लिए ये सब सहना पड़ता है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि फंसे हुए स्पून को हम कैसे निकालें, तो चांस रहता है स्पून निकालने का। ये देखिए दोस्तों, मेरा स्पून बात करते करते फंस गया, तो मैंने अभी जो आपको बताया वो टेक्निक मैं अभी आजमाऊंगा स्पून निकालने के लिए, देखते हैं काम करता है या नहीं। अरे अरे, किसी पत्थर में फंसा हुआ लगता है दोस्तों। इस तरह की फिशिंग के लिए आप हैंग्लोज जरूर पहने हाथ की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये ब्रांडेड लाइन से उंगलियां कटने का चांस रहता है। अगर आपका भी इस तरह से स्पून फंसता है तो आप हाथ से ना खींचे। एक का मैं एक टेक्निक दिखाता हूँ, ये जो कपड़ा है उसमें इस तरह से लपेट के आप खींचे तो आपका रील भी ख़राब नहीं होगा और आपकी उंगली भी नहीं कटेगी। निकल गया दोस्तों। निकल गया, बच गया स्पून। अरे बाप रे, इसमें ही मछली फंस गई। फंस गया था ये तो, कुछ तो फंसा है इसमें दोस्तों, कुछ तो लगा है। गुड, ये देखिए दोस्तों देख सकते हो आप, ये थी वो मछली जिसे हमने अभी अभी हुकअप किया। साइज थोड़ी छोटी है पर अच्छी है,
दोस्तों खेल में साइज नहीं देखा जाता, खेल का मजा लिया जाता है। साइज कोई भी हो पर फिशिंग खेलने का मजा आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया वैसे ये 30 ग्राम का स्पून था, हैदराबादी स्पून, जो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। और इस पे हमें 5 से 6 कास्टिंग में ही हमें ये कैटफिश लगी है। तो दोस्तों हमारे ऐसे ही फिशिंग के रिलेटेड टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं फिशिंग करके तो दिखाता हूँ पर फिशिंग करना भी सिखाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिशिंग के रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये है कैटफिश, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।